नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के मशहूर सूफी दरगाह सूफी संत हजरत जैन उद्दीन की है। हजरत जैन उद्दीन की दरगाह पर भारतीय सेना ने एक सूफी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। दरगाह पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन औकाफ समिति के सहयोग से कराया गया। सूफी संगीत कार्यक्रम का आयोजन दुनिया के सभी समुदाय के बीच अमन, शांति और भाईचारे के संदेश देने के मकसद से किया गया। इस खास कार्यक्रम के लिए घाटी के पारंपरिक सूफी गायकों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। सूफी संगीत कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां जमा हुए। ये एक मीडियम है कि जो सूफी बुजुर्गों ने हमारे लिए तालीमात छोड़ी हैं और जो उनकी अमली जिंदगी रही है, वो आज के जो पुरतशद्दुद दौर जो दुनिया जिससे गुजर रही है, इस पैगाम की, इस मैसेज की, इन तालीमात की और इस सूफियाई किराम की जिंदगी को प्रोजेक्ट करने का ये एक प्लेटफॉर्म है और इस जिनकी रेलिवेंस आज की दुनिया में बहुत है, क्योंकि इंसान जो है काफ़ी एग्रेसिव है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखिए एंगर है ह्यूमन रेस में, जो जाति है, मानव जाति है, हर जगह तशद्दुद है, हर जगह एग्रेशन है, हर जगह एंगर है ग्लोबली। जो हमारे सूफिया किराम ने जो 14th century में पैगाम दिया है, मैसेज दी है ग्लोबल हारमोनी का, यूनिवर्सल हारमोनी का, वो पैगाम, वो मैसेज चाहे इन फेस्टिवल्स को मनाने के ज़रिए या ये जो कलाम सुनाया जा रहा है सूफी कलाम, ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक के ज़रिए, ये सूफी मौसीकी के ज़रिए बहुत एक इम्पैक्टफुल मैसेज आती है। बाबा हजरत जैन उद्दीन वाली को सखी जैन उद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, जो इस भूमि के सबसे मशहूर रेसी संतों में से एक थे। सखी जैन उद्दीन की ये दरगाह पिछले करीब 700 सालों से अमन पैगाम का संदेश दे रही है। 700 साल से यहाँ पर एक मशहूर वली कामिल, जिनका नाम है जनाब सखी जैनुद्दीन वली अलैहि रहमा के नाम से मशहूर है, और बहुत ही बड़ा फैज़ यहाँ पर कि जो कि आउटसाइड टूरिस्ट भी आते हैं, आउटसाइड कंट्रीज़ भी टूरिस्ट आते हैं और आम लोग भी आते हैं, उनका यही मकसद है कि हम इस दरबार से फैज़ हासिल करें, क्योंकि इन दरबारों से हमें अमन का पैगाम मिलता आ रहा है 750 सालों से। और लोग जो कुछ है कि कुछ वक्त से डिस्टेंस हो रही थी सूफीज़म के दरमियान, जो कि अल्लाह का शुक्र है आज डे बाई डे यूथ जो है वो इन सूफियात, इन मकाम दरबारों के साथ जुड़ती जा रही है, और इसका हमें पूरे तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सदियों से सूफी संत अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देते रहे हैं। यही वजह है कि जाने माने पीर की दरगाह पर राजा हो या रंग, देसी हो या विदेशी, हिंदू हो या मुसलमान, हर धर्म के लोग यहाँ पहुंचकर एक मिसाल कायम करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।